थाना प्रभारी उमेश मिश्रा को बजरंग दल के एक कार्यकर्ता को पुराने केसों को चलते पकड़ना बहुत महंगा पड़ा। इसी को लेकर आज कैंट थाना प्रभारी उमेश मिश्रा के खिलाफ बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एसपी को दिया ज्ञापन। गौरतलब है कि 31 जनवरी को बजरंग दल कार्यकर्ता को अपने पड़ोसी की छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखवाने गया था। वही कार्यकर्ता ने कहा कि इस पर टीआई साहब ने, जो कि शराब के नशे में थे, उसे 151 में बंद कर दिया। साथ ही कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट भी की गई और छेड़छाड़ की कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि बजरंग दल कार्यकर्ता पे पहले से कई केसों में मामले पंजीबद्ध थे, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया था। देखने लायक होगा कि आगामी समय में किस तरह से पुलिस अधीक्षक इस पे जांच करते हैं और क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या नहीं। क्या व्यक्ति रिपोर्ट करने जाए, क्या उसकी सुनवाई होगी, फरियादी उठा अंदर कर। बजरंग दल का कार्यकर्ता है तो रात्रि लगभग 9 बजे नितेश तिवारी को साथ में लेकर घटना की FIR दर्ज करवाने थाने पहुंचा, जहां जाकर थाना प्रभारी से निवेदन किया कि श्रीमान जी उक्त घटना की FIR दर्ज कर ले। तो वहां नशे में बैठे थाना प्रभारी उमेश मिश्रा, पुलिस वाले जिनमें थाना प्रभारी उमेश मिश्रा, सुरेंद्र वैसे एवं ASI गोलिया, ड्राइवर अरविंद यादव, दीवान जी, जो उक्त लोग नितेश तिवारी के साथ गाली गलौज करने लगे, तू ज्यादा नेता बन रहा है, तेरे बजरंग दल को तो मैं देख लूंगा, ऐसा कहकर अन्य पुलिस वालों से कहा कि इनको। जय श्री राम। 30 तारीख को किसी लड़के ने छेड़खानी करी, छेड़खानी करने के बाद उनके परिजन, घरवाले, माता पिता रिपोर्ट करने आए तो उनको डरा धमका कर थाने से उमेश मिश्रा ने भगा दिया। इसके बाद में कह दिया कि तुम ये बड़े नेता का ड्राइवर है, अगर रिपोर्ट करोगे तुम उसमें आ जाओगे, बड़े चक्कर में फंस जाओगे, उनको वापस कर दिया। इसके बाद में एक कार्यकर्ता से कहा उनने, भैया मेरी रिपोर्ट नहीं भाई, मेरी लड़की छेड़खानी हुई, तो ये नितेश तिवारी को लेके वो साथ में आए तो यहाँ पे उमेश मिश्रा जी थाने पे दारू पी बैठे हुए थे, उमेश मिश्रा जी ने कही इनको अंदर कर दो और इनमें इनको अच्छी ठुमाई लगा दो, जरा पूरा बजरंग दल जैसे खत्म हो जाए। तो फिर 3-4 लोगों ने अंदर बुला करके नितेश के संग मारपीट करी, लॉकअप से निकाल के रात पे मारपीट करी और सुबह उसको जेल भेज दिया गया 151 में। इसके बाद में SDM साहब से ही मना कर दिया कि इसकी जमानत मत लेना। तो इस तरह से अगर कोई सहयोग करने वाला व्यक्ति, किसी का कोई सहयोग करेगा तो दुनिया में सहयोग करना बंद कर देंगे लोग, कौन सहयोग करेगा उसके साथ, केवल रिपोर्ट करवाने गए थे, फरियादी की अगर नहीं सुन रहे मुलिम हो तो ठीक है, पर फरियादी को भी अंदर बंद कर दिया, जिसको जो रिपोर्ट करवाने गया उसको भी बंद कर रही पुलिस की। इस तरह की उमेश मिश्रा, ये तानाशाही चल रही है, दारू पी के थाने पे बैठता है, अवैध व्यवहार करता है सबके साथ। ये आपने अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने क्या कहा, अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आपको? अधिकारियों ने आश्वासन दिया वो तो उनने कही बात करेंगे, जांच करेंगे, अगर यही कहते हैं अधिकारी नहीं हुई तो आगे आप उचित कार्रवाई नहीं हुई और अगर इसी तरह का व्यवहार रहा तो हम सब समाज के साथ खड़े हैं, किसी तरह का हमें अगर लाठी भी पड़े, डंडे भी खाएं और जेल में बंद भी हों तो उससे हम नहीं डर रहे, पर पूरे गुनाह के अंदर आंदोलन करेंगे। आपकी क्या मांग क्या है? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उस लड़की की रिपोर्ट होना चाहिए।